So welcome to my YouTube channel, that is Graduation Study. So I hope you all are doing well and safe at your home. Okay, so my tagline of this video and every video in fact. So इस वीडियो में हम आज फेमस केस कवर करने वाले हैं. मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया था, आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो. और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो. सो ऑल राइट, द फेमस केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है गाइस, मेरे साथ साथ आप लर्न करो. किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, किंगस्टन की जो कॉटन मिल कंपनी थी, ठीक है, ऐसे याद रखो, किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी चलाता था. तो वही कब का है, 1986 का केस है ये. तो यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया गया है कि एन ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव और टू अप्रोच हिज वर्क सस्पिशियस विद सस्पिशियस. वो कहते हैं जो ऑडिटर है, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है गाइस. अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको पहले, अगर आपको पहले वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से. तो ये एक तरह से रिविजन हो जाएगी आपकी अगर आप वो पहले वाली वीडियो देख के आओगे तो. ओके, सो आप वो पहले वाली वीडियो देखो फिर इस वीडियो पर मतलब स्विच करो. सो ऑडिटर जो होता है वो क्या है, एक तरह से उसको ही इज़ नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव. मैंने आपको बताया था कि उसको डिटेक्टिव नहीं बनना, उसको पहले से ही देखना नहीं है कि दाल में कुछ काला है. उसको पहले ट्रस्ट करना है अपने किस पे, ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी पे, जो ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट उसके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ही इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. उसको काटना नहीं है दूसरों को, उसको एज एनालाइज करना है पहले तो, ठीक है. सो एज ही जस्टिफाइज इन बिलीविंग द ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इज एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द रिप्रेजेंटेशन. उसको जो ट्राई कर रहे हैं सर्वेंट्स उनके ऊपर बिलीव करना है जो कंपनी के हैं, और उनके ऊपर रिलाई करना है जो भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रिप्रेजेंट मतलब शो कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर. प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड ही टेक्स रीजनेबल केयर. ऑब्वियसली बींग अ प्रोफेशनलिस्ट उसको देखना पड़ेगा कि वो रीजनेबल केयर ले रहा है या नहीं, ठीक है. तो उसको तब, और उसकी ये भी ड्यूटी नहीं है कि उसको डिटेक्टिव बनना है, मतलब फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना है, ऑब्वियसली डिटेक्ट करना है, बट उसकी डायरेक्टली उस पर कुछ एक्शन नहीं लेना. उसको टॉप मैनेजमेंट को ओनली इन्फॉर्म करना है, अपने क्लाइंट को जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं. ओके, सो ही हैज़ टू कंसर्न टू द क्लाइंट दैट एरर और फ्रॉड. सो आगे आई होप यहाँ तक ये केस बिल्कुल क्लियर होगा आपको. इसमें वही चीज़ है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको बस इसको इतना ही ब्रीफ वे में डिस्क्राइब करना, और ये केस ज़रूर लिखना है एग्जाम में. इट विल मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इससे. नेक्स्ट विल कम टू वेरियस स्टैंडर्ड्स वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. क्या क्या वेरियस स्टैंडर्ड्स उसको क्या करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं जब वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है. फर्स्ट उसको असेस करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. मैंने आपको बताया था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हाउ इज़ द मैनेजमेंट वर्किंग इन द और फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसको सब कुछ चेक करना है और वेरीफाई करना है उनकी वर्किंग को, और इंश्योर करना है दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं अच्छे से जब वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जामिन द वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट. और उसको एग्जामिन करना है कि जो वेरियस अकाउंट्स वो प्रिपेयर कर रहा है वो एज पर कंपनीज एक्ट है या नहीं. मतलब वो नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली अकाउंटेंट ने जो प्रिपेयर करे हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट है या नहीं. और उसको एग्जामिन करना है दैट पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग. जो पॉलिसीज हैं मैनेजमेंट की वो भी अच्छे से रिकॉर्ड, मतलब वाइल रिकॉर्डिंग वो अच्छे से एग्जामिन करेगा कि वो फॉलो हो रही हैं या नहीं. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देन अकाउंटिंग पॉलिसीज, देन वेरियस अकाउंट्स एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट. ये चार चीज़ें उसको क्या करनी है, वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं ये उसको फॉलो करना है जब वो अपनी परफॉर्म करेगा ड्यूटी. देन विल स्विच टू कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कंक्लूजन बहुत ईजी है, एक तरह से वही कंक्लूड ही कर रखा है रिजल्ट इसके रेपकेशंस हैं सारे. वो क्या क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट है इफ़ द ऑडिटर हैज़ कैरिड आउट द ऑडिट एज पर जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल. गाइज यहाँ पर जर्नली गैप जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, वी आर स्टडिंग ऑडिटिंग. सो यहाँ पर ऑडिटिंग प्रिंसिपल हैं ये. सो गैप की यहाँ डेफिनेशन क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल. सो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल. वो कहते हैं अगर ऑडिटर ने अपना काम कैरी आउट करा है एज पर, फॉलो करा है जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल को, तो हम बाद में उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है. और अगर उसने टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, अगर ही हैज़ परफॉर्म्ड हिज वर्क टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, तो वहाँ पर उसको हम रिलायबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ एनी फ्रॉड और एरर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ही शुड सी दैट एरर्स आर करेक्टेड एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉड इज रिफ्लेक्टेड इन हिज रिपोर्ट एंड ब्रॉट टू द नोटिस.
वो कहते हैं कि अगर कोई भी फ्रॉड या एरर होती है तो उसको दो चीज़ें माइंड में रखनी है। देखो अगर एरर होते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट हो चुके हैं, जो एरर बाय मिस्टेक था वो करेक्ट कर लिए गए हैं, या अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड का तो उसको नोटिस देना पड़ेगा अपनी कंसर्न को। मैंने आपको बताया था क्लाइंट को उसको फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एरर को तो वो करेक्ट कर लेगा, सॉरी सो एरर को तो वो क्या करेगा करेक्ट कर लेगा, लेकिन फ्रॉड की इंफॉर्मेशन उसको अपनी रिपोर्ट में क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी और नोटिस टू द कंसर्न एट अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल उसको कंसर्न करना पड़ेगा इन नोटिस टू हिज क्लाइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज अ वॉच डॉग ही शैल नॉट अननेसेसरी स्निफ, स्निफ मतलब डिटेक्ट नहीं करना उसको एरर और फ्रॉड, अननेसेसरी मतलब विदाउट एनी रीजन, अगर उसको लगता है तो ही शुड इन्फॉर्म टू द कंसर्न क्लाइंट, बट उसको स्निफ नहीं, डिटेक्टिव नहीं बनना, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। अगर बट इफ समथिंग रॉन्ग स्मेल्स आउट सो ही शुड नॉट ओवरलुक द मैटर केयरलेसली, अगर उसको लगता है कि कुछ रॉन्ग स्मेल्स आउट हो रहा है, कुछ दाल में कुछ काला है, तो उसको उस मैटर को ओवरलुक नहीं करना, उसको नदर वो मतलब ओवरलुक मीन्स कि उसको ऐसा नहीं, उसको बॉदर नहीं करना, ओके सो उसको बॉदर करना पड़ेगा उस मैटर को। और ये कैसे कर सकता है, वेरिफिकेशन एंड चेकिंग को अगर वाइडन ब्रॉड कर दे उस कंसेप्ट को, वेरीफाई और चेकिंग थॉरली करे, सो वो एरर्स और फ्रॉड्स को ब्रिंग आउट कर सकता है। लास्ट वी शुडंट फॉरगेट दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बार बार मैं बता रही हूँ कि ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है उसको सिर्फ कंसर्न को बताना है, लेकिन ये ड्यूटी किसकी है, बेसिकली मैनेजमेंट की है, वो डिटेक्ट करे एरर्स एंड फ्रॉड्स को, ठीक है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटेक्ट तो चलो मान लो ऑडिटर को ही करना है तो उसको कंसर्न को बताना है क्लाइंट्स को, लेकिन ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे उन एरर्स और फ्रॉड्स को। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर, दीज ऑल पॉइंट्स। कंक्लूजन बहुत ईजी था इसका, कंक्लूड मतलब पूरा निचोड़ कर रखा है इस पॉइंट, इन पॉइंट्स में सब कुछ वैसे ही बता रखा है जो मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं, और ये आप 100% लिखवा लो, 110% ये एग्ज़ाम में आता ही आता है 15 मार्क्स का, सो आपका आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो 15 out of 15 अगर आप केस के साथ लिखोगे। दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आल्सो, ओके सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। Your friends will see you.